नताशा, अगर हो रही है टेंशन, क्यों ना आप भी प्लान कर लें एक अच्छी सी डिस्को वाली वीकेंड पार्टी। कितने अच्छे लगेंगे सारे घर वाले डिस्को आउटफिट्स में। OMG, देखिएगा आप सबके चेहरे पर आ जाएगी मुस्कुराहट। फिलहाल क्या कुछ हो रहा है इनकी कहानी में, लेकर चलते हैं आपको पांडे स्टोर के सेट पर। हल्दी की रस्म में होली का हुड़दंग, धवल और नताशा का हल्दी खेला, स्टार प्लस के सीरियल पांड्या स्टोर में आज क्या मकवानास और क्या पांड्यास, सभी रंग गए हैं हल्दी के रंग में। भई यहाँ हल्दी की रस्म निभाई जा रही थी, लेकिन ये हल्दी की रस्म बन गया होली का मैदान। और देखिए कैसे सभी एक दूसरे के ऊपर हल्दी फेंक रहे हैं। भागम भाग मच गई है और नताशा उसने भी मौके का फायदा उठा लिया। धवल को अपने हाथों से हल्दी लगाने के लिए वो भी निकल पड़ी बिना किसी से डरे हुए। एक्चुअली पंड्याज और मकवानाज जब मिलते हैं ना, तब कुछ न कुछ अतरंगी होता ही है। तो इस बार भी हम हल्दी करने आए थे चीकू की और ईशा की और धवल और सुहानी की, लेकिन नताशा धवल को किसी और के साथ नहीं देख सकती है। इसलिए नताशा प्लान बनाती है, प्लानिंग करती है कि धवल की उतरी हुई हल्दी तो मैं सुहानी को नहीं लगने दूँगी, मुझे ही लगेगी वो। अब वो मुझे लगने वाला तो कुछ था नहीं, लेकिन कुदरत का ऐसा करिश्मा है या फिर ऐसा भगवान की ऐसी दया है कि वो हल्दी खुद ब खुद हम दोनों एक दूसरे को लगा लेते हैं अनोइंगली, और काफ़ी अच्छा सीक्वेंस होता है। इतना सब क्योस बन जाता है, सब एक दूसरे को हल्दी मारने लगते हैं, क्योंकि पंड्याज और मकवानाज अभी थोड़ा सा दोस्त नहीं बन पाए हैं, तो हल्दी की फुली हो जाती है। सिचुएशंस तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गई, एकदम ठा वाली हल्दी हो रही है। सब मज़े आ गए, नज़ारे आ गए जिसे पंजाबी में कहते हैं। तो शुरुआत कहीं ना कहीं मेरे से ही हुई है। मैं कुछ ऐसे ताना वाना टोंड मार देती हूँ जो बुरा लग जाता है दामा को, और वो फेंक के मारती है मेरे ऊपर हल्दी, बट देन मैं डक कर लेती हूँ एंड इट गोज टूवर्ड्स अम्मा। सो नाउ आई एम लाइक ओ शिट, तो स्कैरी मोमेंट हो गया। तो वो बैकफायर हो मेरे ऊपर, इससे पहले मैं छुप जाती हूँ, एंड द मोमेंट आई हाइड उस नोक झोंक में सबको लग रही है हल्दी। एंड भाई जहाँ पर मकवानाज और पांड्या साथ में आते हैं, वहाँ पर ऐसे ऐसे तमाशे होने तो लाजमी हैं। फिलहाल तो इस हल्दी के हुड़दंग की वजह से सुहानी ने तमाशा खड़ा कर दिया है और उसे आ गया है नताशा पर गुस्सा। इसलिए देखिए कैसे सभी के सामने आकर वो नताशा पर नाराज हो रही है। इतना ही नहीं, आज तो नताशा की सासू माँ ने नताशा पर इल्जाम भी लगा दिया कि जो हल्दी सुहानी को लगने वाली थी उस हल्दी में नताशा ने मिलावट की है ताकि सुहानी का चेहरा बिगड़ जाए। ऐसे में अपनी बहन के ऊपर लग रहे आरोपों को चीकू कैसे झेल पाता, वो भी पहुंच गया सभी को टशन देने के लिए। एक्चुअली सुहानी भी काफ़ी इनोसेंट है, वो उसके साथ भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, किसी लड़के के साथ नहीं होना चाहिए, और मेरे साथ तो ऑफकोर्स हो ही रहा है। मुझ पर ऐसे झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, आई एम सेपरेटेड विद द लव ऑफ माई लाइफ, तो ऑफकोर्स बहुत हार्ट रेचिंग सिचुएशन है मेरे लिए, और इसे कॉप अप करने के लिए भी बहुत मिक्स्ड इमोशंस चल रहे हैं। लेकिन अभी जो हमने सीक्वेंस करा है, इट्स वेरी एंटरटेनिंग, आपको बहुत पसंद आएगा। भाई हल्दी की रस्म का ये नज़ारा देखकर तो वाकई लग रहा है कि ये सीन बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है। फिलहाल तो अभी और भी रस्में बाकी हैं, देखना होगा कि क्या वो रस्में सही तरीके से हो जाएंगी या उसमें भी लगेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज। मुंबई से उमेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं ना, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट।